सर दो दिन से मार्केट क्या मस्त बुलिश हुआ है ना। फ्राइडे को यूएस की जॉब डेटा आई है, तब से ग्लोबल मार्केट थोड़ा स्टेबल हुआ है ना। इकोनॉमिक डेटा स्टेबल आ रही है तो मतलब रेट कट्स भी स्टेबल होंगे। पर सर आपने बोला था कि अगर रेट कट्स 25 बेसिस पॉइंट हुआ तो पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, पर 50 बेसिस पॉइंट हुआ तो नेगेटिव इंपैक्ट होगा। पर रेट कट्स जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा ना मार्केट के लिए। एक बात बताओ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का बर्थडे आने वाला है ना। हाँ, पर क्यों? कल शाम को तुम्हें बुला रही थी तो तुम गए क्यों नहीं? अरे सर उससे ना मैं दिन में ही मिलता हूँ, शाम को जो तो रोमांटिक कर देगी, फिर इमोशनल करके एक्सपेंसिव गिफ्ट ऑर्डर करवा देगी। पर अगर गर्लफ्रेंड रोमांटिक हो तो अच्छी बात है ना। सर करंट एक्सपेंस के सेंटिमेंट के हिसाब से देखो तो रोमांस महंगा लगेगा आपको। एग्जैक्टली, करंट सेंटिमेंट मतलब यूएस के जॉब डेटा स्टेबल आई है पर इन्फ्लेशन अभी भी कंट्रोल लिमिट से ऊपर, और ऐसे में फेड अगर रैपिड रेट कट्स करती है तो लोगों को लगेगा कि एक सेंट्रल बैंक कंट्री के इकोनॉमी को लेकर इतना ज्यादा कंसर्न है कि उनको इन्फ्लेशन की भी नहीं पड़ी है। सेंटिमेंट। पर अगर रेट कट्स ज्यादा कट हुआ तो कंपनीज के लिए बोरिंग तो चीप हो जाएगी, तो ऐसे उनको ग्रो करने में हेल्प मिलेगा, इवेंचुअली एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो अगर थोड़ा इन्फ्लेशन ऐसे में बढ़ ही जाता तो क्या हो जाता है? इन्फ्लेशन है, इसको सॉरी शक्तिमान कहकर इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब रैपिड कट्स हुआ तो लोगों की स्पेंडिंग और बढ़ जाएगी जो इवेंचुअली इंक्रीज करेगी इन्फ्लेशन, और एक पॉइंट पे वो इतना बढ़ जाएगा कि लोग अपनी लिविंग कॉस्ट को भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और ऐसा हुआ तो फिर डेट क्राइसिस, लो कंजम्पशन और कंपनीज लो बोरिंग्स में भी कुछ नहीं कर पाएगी। करेक्ट। तो जब तक इन्फ्लेशन हाई है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट कंट्रोल में है तो इट्स बेटर कि ग्रेजुअली रेट कट्स किए जाएं। अच्छा, इसी को फेड स्मूथ लैंडिंग कह रही थी। पर इन्फ्लेशन इसे करने दे तब तो। पर ये इन्फ्लेशन कम क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि पैसे आते ही लोगों की सबसे पहले जरूरतें बढ़ती है। सोच नहीं।